दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच का एक और नया चैप्टर जो कि है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश में तीन काम करता है, बेसिकली एक दो काम और भी करता है, लेकिन हमें मेन क्या समझना है, वही तीन काम जो ये करता है, ये क्रिया की विशेषता बताता है जो कि वर्ब होती है। फिर ये एक विशेषण की विशेषता बताती है जो कि एडजेक्टिव कहलाता है। और फिर ये खुद क्रिया विशेषण की खुद अपनी ही विशेषता बताता है, ठीक। यानी तीन काम करता है, वर्ब की विशेषता, एडवर्ब की विशेषता और एडजेक्टिव की विशेषता, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन काम करता है। और आप समझते हैं कैसे, हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, एडवर्ब्स आर यूज्ड टू क्वालिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। कि एडवर्ब जो होते हैं ना, वो तीन काम करते हैं, वर्ब को, एडवर्ब, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करना, यानी उनके बारे में कुछ बताना, ठीक है। तो कैसे ये काम करता है समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा है, रौनक रन्स फास्ट। इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हम जब बेसिक अपना पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, आफ्टर दैट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ब सेंटेंस जो बनता है वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। और तीसरा जो बनता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। तो ये तीन सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं। पहले में हम समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि हम समझ चुके हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल, और तीसरा होता है सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब, ठीक है। तो आज हम ये वाला पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। और ये जो है ना सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल, ये भी मैं बता दूंगा आपको, जो एडवर्ब समझ जाते हैं ना एडवर्ब पढ़ने के बाद में, वो तीसरा स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से समझ में आता है। तो पहले हम एडवर्ब को समझते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है इसमें, रोनक। रन्स क्या हो गया, वर्ब, कैसी वर्ब है, मैन वर्ब। अब ये जो फास्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रन के बारे में कुछ बता रहा है, इस वर्ब के बारे में। कैसे, रौनक रन्स, रौनक दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, फास्ट का मतलब तेज, कि रौनक तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब, ठीक है, ओके। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही इज फास्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, क्यों है, क्योंकि प्रोनाउन है, नाउन की जगह क्या है, इज हमारा मेन वर्ब है। अब फास्ट एडवर्ब है या नहीं है, देखिए यहां पे फास्ट एडवर्ब का काम कर गया, लेकिन यहां फास्ट एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बी की फॉर्म जब भी मेन वर्ब बनती है तो इसके बाद में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट आते हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट बनते कौन कौन है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपका फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तीसरा हम समझते हैं, रौनक रन्स वेरी फास्ट। रौनक हमारा सब्जेक्ट हो गया, रन्स हमारा मेन वर्ब हो गया, फास्ट हमारा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्यों हो गया, क्योंकि ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, इस रन्स के बारे में बता रहा है कि रौनक कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। और ये वेरी क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया, ये इसकी डिग्री बढ़ाने वाला, इस एडवर्ब की डिग्री बढ़ाने वाला दूसरा एडवर्ब हो गया, जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है, ठीक है। और ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ये तो हम जब एडवर्ब के टाइप पढ़ेंगे तब समझ में आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लेते हैं वेरी क्या है, इसी एडवर्ब की डिग्री बढ़ाने वाला एडवर्ब, ठीक है, दूसरा एडवर्ब। तो ये फास्ट तो किसके लिए आ गया, रन्स के लिए, और वेरी किसके लिए आ गया, फास्ट के लिए, ठीक है।
यानी इसमें दो एडवर्ब यूज करेंगे, एक एडवर्ब ने रन्स को क्वालिफाई कर दिया और एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दिया। इसको समझते हैं, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा मेन वर्ब है, वेरी हमारा एडवर्ब है, कि यहाँ एडवर्ब था और फास्ट हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि बी की फॉर्म मेन वर्ब बन रही है, ये तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया ना। तो अब ये तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया ये तो, और ये वेरी इसकी डिग्री बढ़ाने वाला, इंटेंसिटी बढ़ाने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री बन गया। ठीक है, यानी यहाँ पे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया, यहाँ पे एक एडवर्ब ने रन्स को यानी वर्ब को, और एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई किया, और यहाँ पे इस एडवर्ब ने मैन वर्ब को यानी वर्ब को क्वालिफाई किया, जबकि यहाँ पे कोई एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव था, जिस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे वेरी ने एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। फिर नेक्स्ट है हमारा बुमराह इज ए फास्ट बॉलर। तो हमारा बुमराह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया भाई, ये इंडिया का फास्ट बॉलर है। इज इसका मेन वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया, फास्ट एडजेक्टिव हो गया, और बॉलर कॉम्प्लीमेंट हो गया। बुमराह ही वो बॉलर है, इसलिए बॉलर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि बी की फॉर्म मेन वर्ब बन रही, सिंपल सी बात। अब इसको समझते हैं, बुमराह हमारा सब्जेक्ट हो गया, बॉल्स मेन वर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया जो कि इसके लिए आया है, और फास्ट एडवर्ब हो गया जो कि इस बॉल्स के लिए आया है। ठीक है, दो एडवर्ब यूज हुए हैं, फास्ट तो आया है बॉल्स के लिए, बॉल्स को क्वालिफाई कर रहा है। बुमराह कैसे बॉल करता है, फास्ट बॉल करता है, और बुमराह कितनी फास्ट बॉल करता है, बहुत फास्ट करता है। तो वेरी ने तो फास्ट को क्वालिफाई कर दिया और फास्ट ने बॉल्स को। ठीक है, तो यहाँ पे दो एडवर्ब आ गए। सी डांस्ड ब्यूटीफुली, सी हमारा सब्जेक्ट है, डांस्ड हमारा मेन वर्ब है, और ब्यूटीफुली एडवर्ब है, किसके लिए आया है, इस वर्ब के लिए, डांस्ड को क्वालिफाई कर रहा है। वो कैसे डांस करती है, ब्यूटीफुली डांस करती है। ठीक है, सी डांस्ड वेल, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, डांस्ड हमारा मेन वर्ब हो गया, और वेल एडवर्ब हो गया, इस डांस्ड को क्वालिफाई करने वाला। उसने कैसे डांस किया, अच्छा डांस किया, वेल, वेल मींस अच्छा, प्रभाव, प्रभावशाली। तो ये एडवर्ब हमने समझे कि किस तरह से एडवर्ब जो है वर्ब को क्वालिफाई कर देते हैं, किस तरह से खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर देते हैं और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देते हैं, तीनों हमने समझे हैं। और अब हम इसके बाद में इसकी टाइप्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि ये जो एडवर्ब है ना, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगे जो जो हम चलेंगे ना, वैसे वैसे ही ये इंग्लिश का टॉपिक्स नए नए आते जाएंगे और कुछ ऐड होता जाएगा, और जो जो ऐड होता जाएगा ये कठिन होता जाएगा, डिफिकल्ट, टफ होता जाएगा। तो ये वाले जो एडवर्ब के टाइप है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इंग्लिश को ब्यूटीफुली लिखने में और उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो एडवर्ब के बाद में हम इसके टाइप पढ़ेंगे।